আচ্ছা, আজকা বিষয় হ্যাঁ স্বরাজ অধিকারী কেসে বনে সঙ্গম যুগ পর ব্রাহ্মণ বনতে হি বাবা হমে স্বরাজ অধিকারী কা वरदान देते हैं। और उस वरदान को जितना जितना हम प्रयोग में लाते हैं और उसका उपयोग सेवा में करते हैं, तो स्वतः ही हम अनुभव करने लगते हैं कि हम स्वराज अधिकारी बने हैं। क्योंकि जो हमारे राजाई संस्कार सतयुग और त्रेता युग में थे, वो राजाई संस्कार 2500 वर्ष तक हम माया के जेल में रहकर गुलाम बनकर रहने से संस्कार परिवर्तन हो चुके हैं। अधिकारी के बजाय हम स्वयं को अधीन समझते आए हैं, तो पुनः वो संस्कार जागृत करने के लिए बाबा हमें ये वरदान देते हैं। स्वराज अधिकारी अर्थात स्वयं ही स्वयं पर राज करना, विशेष मन बुद्धि संस्कार और जो भी कर्मेंद्रिया है उनों पर शासन करना, तो शासन करने के लिए विशेष 2 शक्तियों का स्टॉक होना जरूरी है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। इन 2 शक्तियों के आधार पर हमें स्वराज तथा विश्व का राज मिलता है, और इन 2 शक्तियों को प्राप्त करने का साधन है पावरफुल योग की स्थिति। बाबा ने कल कहा, राजयोगी ही स्वराज अधिकारी बनते हैं, राजयोगी ही योगाभ्यास के द्वारा राजयी संस्कार धारण करते हैं। तो जितना जितना राजयोग हमारा नेचुरल होता रहेगा, उतना ये संस्कार स्वतः ही हमारे जीवन में उभरने लगते हैं। तो सतयुग में जो भी हम ऊंचा प्रलब्ध राजय का प्राप्त करने जा रहे हैं, उसका आधार भी ये 2 शक्तियां ही हैं। तो जिन आत्माओं के पास में ये 2 शक्तियां ज्यादा प्रमाण में होती है, प्रतिशत में होती है, वो आत्माएं उसी प्रकार का प्रलब्ध स्वतः ही प्राप्त करते हैं। और जिन आत्माओं के पास में ये 2 शक्तियां बहुत कम होती हैं, वो उसी आधार पर उसी प्रकार का प्रलब्ध प्राप्त करते हैं। इसलिए राजा महाराजा विश्व महाराजा ये विभिन्न प्रकार के जो ग्रेड्स हैं, इनका आधार ही है रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो मन और बुद्धि को नियंत्रण करना अर्थात अपने कंट्रोल में लाना, आत्मा कमांडर है, और कमांडर जो है अपनी प्रजा को या अपनी सेना को जो ऑर्डर देता है वो ऑर्डर पर वो सदा चले,
लेकिन कमांडर शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। कमांडर अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो उसके अंडर में जो सेना है या प्रजा है वो उसके ऑर्डर पर नहीं चलेंगे। तो हम जब मन और बुद्धि को ऑर्डर करें, कंट्रोलिंग अर्थात जिस समय हम अनुभव कर रहे हैं कि मन और बुद्धि कहीं और, जहां हम नहीं चाहते हैं वहां जा रही है, वहां व्यस्त है, तो उसको जाने से रोकना, स्टॉप टू स्टॉप अर्थात नियंत्रण करना। हम ऑर्डर करते हैं स्टॉप दिस थिंकिंग, ये सोचना बंद करो, मन बंद करता है, अर्थात हमारे पास में मन को नियंत्रण करने की शक्ति है। बुद्धि हमारी इधर उधर भटकती है, द्वापर युग से भटकने का संस्कार हमारा पक्का हो चुका है। तो बुद्धि सारे दिन भर में इधर उधर भटकती है, उसको भटकने के लिए हम ऑर्डर करें ये बंद करो भटकना, तो बुद्धि उसको बंद करें। और नियंत्रण करने के बाद हम उसको रूलिंग करना चाहते हैं, तो उसको हम ऑर्डर करते हैं कि हे मन, इस विषय पर सोचो। और मन सोच रहा है, संकल्प कर रहा है, अर्थात रूलिंग पावर हमारे पास है। बुद्धि को ऑर्डर करते हैं, हे बुद्धि, इतने समय तक बाबा को देखना है। बुद्धि फॉलो कर रही है, इसका मतलब हमारे पास में रूलिंग पावर है। तो जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिक जो राजयोग की उपलब्धियां हैं वो हमारे जीवन में हम अनुभव करने लगते हैं। राजयी संस्कारों को हम इमर्ज करने में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्थूल कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाली सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है मन और बुद्धि संस्कार। तो जब हम इन शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण करना जानते हैं या इस कला को प्राप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिक सुखदायी हमारा जीवन बन जाता है। और दूसरी बात, जो राजे बनने वाली आत्माएं हैं उन्होंने पास सर्व खजानों की संपन्नता होती है और भरपूर आत्माएं होती हैं, अपना प्रजा का लालन पालन करने की क्षमता उन्होंने पास होती है। प्रजा के प्रति प्रेम प्यार होना और साथ साथ उन्हों की सेवा करने के लिए जो अखुट खजाने आवश्यक है उन खजानों से संपन्न होना। तो शांति का और शक्ति का खजाना ये भरपूर हो, ये खुद खजाना हमारे पास हो। जितना ये खजाना संपन्न हमारे पास होगा, तो हम अनेक विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। तो जितनों की हम सेवा करते रहेंगे, ऑटोमेटिक विश्व का राज जो है हमें प्राप्त होता रहेगा। आप देखेंगे, मैं यहाँ गुजरात में कहीं भट्टी कराने के लिए गया था, गायत्री मंदिर मैंने देखा, उस मंदिर में जो भगत अलग अलग सेक्शन में बैठे हुए थे, तो जो माला है 108 की वो आंखों पर रखते थे, दिल पर रखते थे, बहुत प्यार से उसको रिगार्ड के सत्कार की भावना से देखते थे। मैं सोचने लगा कि ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये माला के पीछे इतना दीवाने क्यों बने हैं? आखिर भी ये जो 108 आत्माएं हैं, इन आत्माओं ने कैसे, कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिसके आधार से इनकी यादगार जो है अभी से गायन पूजन अभी तक चलता आ रहा है?
तो संगम युग पर जो 108 आत्माएं हैं, राजे महाराजे बनने वाली आत्माएं हैं, इन आत्माओं ने सारे विश्व की आत्माओं के लिए कुछ न कुछ किया था, परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। शांति शक्ति की अंचली कणा दाना संगम युग पर सेवा के माध्यम से दिया था। उसकी रिटर्न में द्वापर से लेकर अभी तक गायन पूजन उनका चलता आ रहा है। लेकिन ये विश्व सेवा करने के लिए हमारे पास इन दो खजानों की संपन्नता आवश्यक है। और तीसरी बात, संपन्नता होने के साथ साथ रॉयल संस्कार हमारे जीवन में हमें धारण करने पर विशेष ध्यान देना है। रूहानी रॉयल फैमिली के हम मेंबर्स हैं, तो जितने जितने रॉयल संस्कार, उसके लिए जितना रॉयल नशा हमारे जीवन में होगा, उसी आधार पर ऑटोमेटिक रॉयल संस्कार हमारे जीवन में, व्यवहार में हम तथा हमारे साथी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय जो भी ब्राह्मण परिवार का संगठन है, सभी हम पुरुषार्थ ही बैठे हैं, लेकिन भविष्य हमारा स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन सी आत्मा भविष्य में कौन सा प्रलाप पाने वाली है, वो चेहरे से ही दिखाई देता है। चेहरे पर भी विशेष रूहानी नशे की झलक और फलक के आधार पर वो स्पष्ट दिखाई देता है। जो विश्व महाराजे बनने वाली आत्माएं होगी, उन्होंने उतना ही बेहद का ऊंचा नशा उनके चेहरे पर होगा, नेचुरल होगा। लेकिन नेचुरल अनुभव करने के लिए लंबे समय का गुप्त पुरुषार्थ हमें उस नशे को धारण करने के लिए करना होगा, सोमान में स्थित होने का अभ्यास करना होगा। संगम युग पर जो स्वराज हमें दिया है बाबा ने, तो राजी करने के लिए आसन कौन सा दिया है? जैसा वो तख्त होता है राजा का, तो ऐसे हमें संगम युग पर बाबा ने राजे दी है, उसका तख्त कौन सा है, सीट कौन सी है? सोमान के सिंहासन पर बैठकर, सोमान के सिंहासन पर बैठकर हमें अपने सूक्ष्म तथा स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज करना है। तो सोमान की सीट है संगम युग की राजाई की सीट। इस सीट को हमें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान से प्राप्त हुई सीट है, भगवान ने दी हुई हमें सीट है। बहुत ठाट से, बहुत मस्ती से, नशे से उस सीट पर हमें सेट रहना है। कई बातें हमारे सामने आएगी, परिस्थितियां, समस्याएं, आपत्तियां, वो हमारे सीट को हिलाएगी, सीट से ऊंचा नीचे उतारने का प्रयास भी करेगी, लेकिन लंबे समय का अगर हमारा यह अभ्यास होगा सोमान में स्थित होने का, तो हमें माया उस सीट से नहीं उतार सकेगी। किसी भी कारणवश हम उस सीट से थोड़ा सा भी नीचे उतरते हैं, तो माया हमारा अपमान करती है। सोमान के सीट से नीचे उतरते हैं तो माया हमारा अपमान करती है, सूक्ष्म वार करके हमारा इंसल्ट करती है। तो सबसे पहले हमें ये धारण करना है कि सारे दिन भर विभिन्न प्रकार के नशे के पॉइंट्स का अभ्यास करके इस सीट पर बैठना है, तो ऑटोमेटिक वो संस्कार जीवन में धारण होंगे, रॉयल्टी हमारे जीवन में धारण होती रहेगी। क्योंकि संगम युग का वर्षा हमें बाबा देने के लिए आए हैं। संगम युग का वर्षा किस रूप में बाबा दे रहे हैं हमें? किस रूप में दे रहे बाबा संगम युग का वर्षा? शांति और शक्ति के खजाने के रूप में। और जैसा बाप है हमारा, वैसे उसके बच्चे। आप आपने कल बाबा को देखा, बाबा के चेहरे से ऐसा अनुभव करते हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे सामने बैठी है, सुप्रीम अथॉरिटी हमारे सामने बैठी है। तो सुप्रीम अथॉरिटी के जो एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों को वो नशा अनुभव करना होगा कि
कि ये जो सुप्रीम अथॉरिटी हमारे सामने बैठी है ये मेरे पिताजी हैं, मेरे महान पिता हैं। कहने मात्र नहीं, वास्तविक रूप में वो मेरे महान पिता है। पिता और पुत्र का जो रिश्ता है उसने हमें स्वीकार किया, हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन जितना जितना हमारा संबंध उससे गहरा होता है तो ऑटोमेटिक वो नशा हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं कि मेरा पिता जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। आप एकदम रॉयल्टी बाबा के चेहरे से झलकती है। तो ये देखने का सौभाग्य, ये आंखें हमारी बहुत भाग्यशाली हैं। इन आंखों को संगम युग पर भगवान की लीलाएं, भगवान को साकार माध्यम में देखने का सौभाग्य मिला है। कितनी भाग्यशाली आंखें हैं ये, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से साधारण रीति से बाबा हमें मिलेंगे और हमें अपनाएंगे। सोचा था? कितना ढूंढ ढूंढ के हम परेशान और फिर आखिर आशा की निराशा हो गई। ये प्राप्ति भगवान की संभव नहीं है, हाईली इम्पॉसिबल है। और बहुत साधारण तरीके से किसी न किसी माध्यम से, व्यक्ति से बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, उसका हाथ हमने पकड़ा और हमारा हाथ उसने पकड़ा, तो वो हाथ ही उसका साथ है। तो जितना जितना साथीपन का अभ्यास हम करते जाते हैं योगा अभ्यास के द्वारा, तो ऑटोमेटिक वो संस्कार जागृत होने लगते हैं। भविष्य में हमें राजे मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय राजे के संस्कार ऑटोमेटिक हम अनुभव करने लगेंगे। बाबा ने कहा विश्व के राजे इसके सामने कुछ नहीं है, तो उसके लिए राजयोग की जो स्थिति हमारी है बहुत सुंदर स्थिति हो, शक्तिशाली स्थिति हो, बहुत नेचुरल स्थिति हो, तो ऑटोमेटिक स्वराज अधिकारी हम बनेंगे। और जितना जितना उस राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो उस अभ्यास से जो खजाने हम प्राप्त करते जाएंगे, उन खजानों के द्वारा अनेक आत्माओं का लालन पालन हम करते रहेंगे और हमारे प्रजा को, हमारे राजधानी का हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बात आती है योग की सुंदर स्थिति हम कैसे बनाएं, नेचुरल, शक्तिशाली, निरंतर योग की स्थिति हमारी कैसी रहे। तो योगाभ्यास में विशेष मन और बुद्धि इन दोनों शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शक्तियों के बारे में विस्तृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन दोनों शक्तियों के बारे में विशेष पांच बातें हैं, जिन पांच बातों को जानने से, अनुभव करने से, अभ्यास करने से आप बहुत सहज रीति से योगी भाव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ये गारंटी है।